दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लुसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब ला रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का, जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3, लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपुल। तो इसमें हम लोग जो है आपका क्वेश्चन और आंसर, आपका जो है ऑप्शन ऑप्शन जो आंसर होगा उसको डील करेंगे, और ये आपका रिविजन पर्पज से वीडियो बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू स्टेट अदर देन यूपी हैविंग द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आपका टू है, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा वी आर हेल्ड इन। तो आपका टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1971। क्वेश्चन आपका थर्ड है, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। तो थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कास्टिंग वोट। क्वेश्चन नंबर फोर है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। तो फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 320। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फाइव का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 552। क्वेश्चन आपका सिक्स है, द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा। तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन सेवन है, द यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, इन द लोकसभा अनलेस देयर इज ए क्वोरम द स्पीकर शुड नॉट कंडक्ट द प्रोसीडिंग टू इंश्योर दिस। तो एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कीप्स ए वॉच ऑन द अटेंडेंस इन द हाउस एंड इन्फॉर्म द स्पीकर। ठीक है, तो इन द लोकसभा अनलेस देयर इज ए क्वोरम द स्पीकर शुड नॉट कंडक्ट द प्रोसीडिंग टू इंश्योर दिस, द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कीप्स ए वॉच ऑन द अटेंडेंस इन द हाउसेस एंड इन्फॉर्म द स्पीकर। ठीक है, ये आपका, तो ये आपका प्रोसीडिंग्स पे नहीं आता, बाकी आपका सभी आएगा। ठीक है, द स्पीकर यूजुअली काउंट्स द हेड्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी डे फर्स्ट सेशन एंड द अटेंडेंस रजिस्टर केप्ट एट द एंट्रेंस इज मॉनिटर्ड। द स्पीकर रिलाइज ऑन द मेंबर्स टू ब्रिंग टू इस नोटिस द लैक ऑफ क्वोरम। ठीक है, ये आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर आपका टेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट ओनली वन मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो टेन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एलोकेशन ऑफ सीट इन द प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसस। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1971। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 12 का है, सही है ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू आपका दोनों आपका सही है, एक और दो दोनों सही है। तो पढ़ते हैं क्या पास जो है सही में है। तो द टोटल इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑन द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इम्पोज्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु होल्ड द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर द कैंडिडेट टू बी टू सीक इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आपका 25 ईयर। क्वेश्चन आपका 15 है, हु इज नॉट इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लोकसभा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीधा सेक्रेटरी और सीधा सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका द कंप्यूटर ऑटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन आपका 16 है, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1921 सेंसस अप टू विच ईयर दिस रिमेन इंटैक्ट। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो है अप 2026 तक। क्वेश्चन आपका 17 है, द क्वोरम ऑफ लोकसभा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन नंबर 18 है, द 84th अमेंडमेंट एक्ट हैज फ्रोजन द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ 1921 सेंसस, दे शैल रिमेन अनअल्टर्ड टिल द फर्स्ट सेंसस टू बी टेकन अप द ईयर। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2026। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आपका 20 है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो आपका 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 डेज।
क्वेश्चन नंबर 21 है, टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज एन ऑपोजिशन ग्रुप, ए पार्टी और कॉलिशन ऑफ पार्टीज मस्ट हैव एटलीस्ट, तो 21 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 50 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सेकंडपुर, तो ऑप्शन नंबर सी 80 लोकसभा सीट। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी 1 आवर, ठीक है। क्वेश्चन आपका 24 है, आउट ऑफ 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फ्रॉम द स्टेट, तो आपका 24 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 530। क्वेश्चन आपका जो है 25 है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार, ठीक है। क्वेश्चन आपका 26 है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, 26 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन आपका 27 है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव बाय, 27 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ नेशन, तो 28 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 50। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द सीट्स इन ऑन द बेसिस ऑफ डैश सेंसस, तो आपका 29 का राइट आंसर है, आपका ऑप्शन बी 1921 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द फिक्स नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो 30 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर डी 545। क्वेश्चन आपका 31 है, फाइनेंशियल बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड, तो 31 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लोअर हाउस। क्वेश्चन आपका 32 है, द अपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एटलीस्ट, तो 32 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 10% सीट्स। क्वेश्चन आपका 33 है, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इज, तो 33 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 543। क्वेश्चन आपका 34 है, टर्म ऑफ लोकसभा, तो टर्म ऑफ लोकसभा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, तो 35 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 7th एंड 31st अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो 36 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 4, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।